जीवाणा में हुआ संतों का नगर प्रवेश स्वर्ण सीढ़ी समर्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, 5 मार्च को होगा ध्वजारोहण। साइला श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर संघ जीवाणा के तत्वावधान में जीवाणा में जिनालय की 10वीं वर्षगांठ व स्वर्ण सीढ़ी समर्पण के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर आचार्य जय रत्न सुरेश्वर महाराज एवं साध्वी अरुण प्रभाश्री जी आदि ठाणा का भव्य नगर प्रवेश हुआ। शुक्रवार को आचार्य जय रत्न सुरेश्वर महाराज सहित साधु संतों का जीवाणा में भव्य ढोल धमाकों के साथ प्रवेश हुआ। जीवाणा जैन संघ सहित पारख परिवार ने सामैया पूर्वक भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात गुरु भगवंतों की पावन निष्ठा में स्वर्ण सीढ़ी समर्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ व सुबह से मंदिर प्रांगण में परमात्मा के 18 अभिषेक हुए व धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें आचार्य जय रत्न सुरेश्वर महाराज ने प्रवचन दिए। 5 मार्च को होगा वार्षिक ध्वजारोहण। 5 मार्च को लाभार्थी परिवार के यहाँ से शुभ मुहूर्त में गुरु भगवंतों व श्री संघ के श्रावक व श्राविकाओं के साथ मंदिर की ध्वजा को गाजे बाजे के साथ मंदिर में प्रवेश कराएंगे, जहाँ पर विधि विधान के साथ वार्षिक अमर ध्वजा के लाभार्थी शांतिलाल सुरेश कुमार प्रकाश कुमार रखबाणी पारख परिवार द्वारा सकल संघ की मौजूदगी में मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। पंचों ने तो पैसा दिया, नहीं पावर दिया, आज तक वो मुझे लूटते ही रहे और मैं उन्हें लुटाता ही रहा। थक जाएंगे वो, मैं थकने वाला नहीं। जो अच्छा करता है उसे अच्छा ही नहीं छोड़ना, और साला को भी ढूंढने के लिए भानुराज को पकड़ना पड़ेगा। यह मेरा प्रयास है और मैंने कई बार कहा इसके निमित्त में जुड़ा था, इसके कारण जुड़ा था। ये क्यों हो रहा है वो तो ऊपर के परमाणु वाले जाने, अपन तो ड्राइवर बन करके चालक बन करके सहयोगी बन करके श्रद्धालु बन करके और एक दूसरे के आत्मिक मित्र बन करके।